हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। पोको ने इंडिया में लॉन्च कर दिया पोको M6 Pro 5G स्मार्टफोन और इस स्मार्टफोन का ना पूरा कॉपी कर लिया गया है। किस स्मार्टफोन से कॉपी कर लिया गया है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मतलब थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन में अंतर है। और जब आप लास्ट तक वीडियो देखोगे ना तो आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि इस स्मार्टफोन को ख़रीदना है कि नहीं। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को इसका प्राइस बता देता हूँ। ये इंडिया में दो रैम वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है, 4GB RAM 64GB ROM, और इसका प्राइस आप लोगों को 11,000 रुपये देखने को मिल जाता है। और 6GB RAM + 128GB ROM इसका आप लोगों को 13,000 रुपये देखने को मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इतने प्राइस में आप लोगों को क्या कुछ फीचर्स आप लोगों को इस स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं, फिर बताऊंगा कि खरीदना चाहिए कि नहीं। तो 6.79 इंच का FHD+LCD डिस्प्ले पैनल आप लोगों को देखने को मिल जाता है, 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट, 550 निट्स का पीक ब्राइटनेस और स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का आप लोगों को चिपसेट देखने को मिल जाता है। 4nm वाला पावर एफिशिएंट है और LPDDR4X रैम UFS 2.0 का स्टोरेज वेरियंट आउट ऑफ द बॉक्स ये आप लोगों को एंड्रॉयड 13 पे देखने को मिलेगा। 5000mAh का बैटरी, 18W का चार्जर, 50MP+2MP का रियर कैमरा, 8MP सेल्फी कैमरा और इसमें आप लोगों को वाईफाई 5 देखने को मिल जाता है। IP53 रेटेड है, मतलब पानी वगैरह का छीटा पड़ेगा कुछ नहीं होगा। और साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। 3.5mm ऑडियो जैक। तो यही थे इसके कुछ खास फीचर्स। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस स्मार्टफोन को किस स्मार्टफोन से कॉपी किया गया है। तो Redmi 12 5G अभी कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ था, उसी स्मार्टफोन का सारा चीज़ उठा करके इस स्मार्टफोन में दे दिया गया है, सिर्फ डिज़ाइन चेंज करके और पोको का ब्रांडिंग दे करके। तो अब बात कर लेते हैं कि इस स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहिए कि नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को सारा चीज़ अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लोड देना चाहते हो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैमरा के लिए लेना चाहते हो तो ठीक ठाक है, उतना बेस्ट नहीं बोलूँगा बट ठीक ठाक है, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन थोड़ा दिक्कत है अगर आप 4GB RAM 64GB RAM वाला वेरिएंट लेना चाहते हो तो Redmi 12 5G में भी सेम दिया हुआ है। आप वो वाला लोगे मतलब उसका प्राइस भी ज़्यादा है थोड़ा, तो आप वो वाला अगर लेते हो तो आप फ़ायदे में रहोगे ऐसा मुझे लगता है। मतलब पोको पर मुझे उतना भरोसा नहीं है जितना रेडमी पर है। और अगर आप 6GB RAM 128GB ROM वाला वेरिएंट लेना चाहते हो तो मैं बोलूँगा पोको M6 Pro 5G ही आप ले लेना, Redmi 12 5G मत लेना, तो आप फ़ायदे में रह सकते हो। और मोबाइल काफ़ी अच्छा है, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।